एक हमारा जो सीरीज चला था साइंस सीरीज में, जिसमें मैंने एक पहली वीडियो डाली थी ह्यूमन ब्रेन पर, और आज की दूसरी वीडियो है जो ह्यूमन आई एंड विजन, वो खिड़की जिसके सहायता से जो है आप इस वीडियो इस क्लिप को देख रहे हैं। और इस वीडियो में आंख से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। एक सामान्य मनुष्य की आंखें 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। अगर इंसान की आंख एक कैमरा होती तो उसकी क्षमता 576 मेगापिक्सल होती। जिस तरह हमारे कैमरा में लेंस होते, उस तरह हमारे आंखों में भी लेंस होता है। हमारी एक आंख में 12 लाख फाइबर होते हैं। इंसान की आंखें जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा एक बराबर होती है, पर उम्र के बढ़ने के साथ आंखों का लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण हमें 40 साल की उम्र के बाद चश्मे की जरूरत पड़ती है। हम अपने दिन के समय का 10% हिस्सा पलक झपकने में बिता देते हैं, जो कि पूरे दिन के आधे घंटे के बराबर होता है। अगर हम देखें कि 1 मिनट में औसतन 12 बार पलक झपकते हैं, तो इस हिसाब से हम दिन में लगभग 10,000 बार और 1 साल में 3 करोड़ बार पलक झपकते हैं। मनुष्य की आंख का वजन 8 ग्राम होता है। दिमाग के बाद आंख ही हमारे शरीर का सबसे जटिल संरचना है, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है। हमारी आंखों के ऊपर के बाल जो हर 64 दिन के बाद बदलकर नए आ जाते हैं। ज़्यादातर मनुष्य की आंखें भूरी होती है, और बहुत सारे और हम सब मनुष्य जो है आंख खोलकर छींक नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और अगर जो हमारे आंख जो होती है आयरिस, जिसको बोलते हैं आंख का रंगीन हिस्सा, इसमें 256 यूनिक करेक्टर होते हैं। अगर देखें तो हम लोग आधार कार्ड में हमारी आंखों का स्कैन लिया जाता है, इसलिए कि अगर हम थंब का कोई स्कैन नहीं कर पाए, लेकिन आंखों में 256 यूनिक करेक्टर होते हैं, और थंब में 40 जो होते हैं सिर्फ यूनिक करेक्टर होते हैं। मोबाइल कंप्यूटर या टीवी के आदि के सामने हम लोग जब ज़्यादा बैठते हैं तो हमारे आँख में सूखापन आ जाता है, और इसलिए जो हमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें डिजिटल जो है मोबाइल के सामने ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। आँखों को नम रखने के लिए हमें क्या चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि आप दिन में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हमारी आंखों पर दबाव कम पड़े, इसके लिए हमें पर्याप्त रोशनी में ही पढ़ने लिखने का काम करना चाहिए। जो एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल का या किसी भी टीवी बच्चे देखते हैं, तो कम से कम उसे जो है कुछ डिस्टेंस बना के, अगर यहाँ पर टीवी है तो उसे 10 फीट जो दूर जाके बैठ के उसे जो है वो कुछ भी सीरियल है या कार्टून देखना चाहिए। आँख को हमें जो है हर तरह से बचाना चाहिए, धूल कण से, और हमें जो धूपों से बचाना चाहिए, हमें कम लाइट से भी बचाना चाहिए, और आँखों को जो है समय समय पर हमें जो है पानी से धोना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट है हमारे बॉडी का। सो आज के इस वीडियो आज सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।